हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। सबसे पहले रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की तरफ। ब्रेकिंग न्यूज पर एक नजर। बाडड़ा से बड़ी खबर, जहां पर स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। निजी स्कूल बस और वैन में जबरदस्त टक्कर। हादसे में एक छात्रा की मौत, दो छात्र गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को एसआर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव आर्यनगर और गोविंदपुरा के बीच में ये दुर्घटना हुई है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त बागड़ा से आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इतनी जबरदस्त ये टक्कर हुई निजी स्कूल बस और वैन के बीच में कि एक छात्रा की मौत हो गई है। इसमें अन्य जो छात्र हैं उनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। काफी चोटें लगी हैं बाकी के छात्रों को भी। दो छात्र काफी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। महासिंह हमारे साथ संवाददाता। महासिंह, क्या कुछ जानकारी मिल रही है अभी? बाकी के जो बच्चे हैं जो घायल हैं, उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, आज ये एक निजी स्कूल की जो बस है आर्यनगर गोविंदपुरा के बीच, एक टाटा मैजिक बताई जा रही है, जो वैन बोलते हैं स्कूल वैन, और एक ही स्कूल की थी और उनकी टक्कर हुई है। तो जिसके अंदर एक लड़की जो 10 जमा 2 की छात्रा थी, उसकी मौत हो गई है और एक लड़का और लड़की दो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जो वो सीएमसी हॉस्पिटल भर्ती करवा गया है। लड़की की जो हालत है वो नाजुक है। जो दो जो घायल जो बच्चे हैं, वो एक कक्षा 5 का बच्चा है और जो लड़की है वो कक्षा 6 में पढ़ती थी। लेकिन इसमें आज प्रशासन को देखना चाहिए कि आज शिवरात्रि की छुट्टी थी, उसके बावजूद भी बच्चों को कहाँ ले जाया जा रहा था, कैसे स्कूल लगाया गया। इस पर कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी को कार्रवाई की आवश्यकता है, जांच की आवश्यकता है और इसमें पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया महासिंह चौरान आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इस पूरी दुर्घटना में दुखद देख छात्रा की मौत हो गई।